¡Hola! सावन महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है और सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम की धरती भगवामय हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं का जत्था सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पहुंचा और यहां से जल लेकर ये बैजनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालु 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हुए दो दिनों में देवघर पहुंचेंगे और वहां बैजनाथ बाबा का जलाभिषेक करेंगे। कांवरियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभु की कृपा है। सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट श्रद्धालुओं से खचाखच है। श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगा रहे हैं। पूरा गंगा तट और कच्ची कांवरिया पथ बोलबम के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। बता दे, इस बार दो महीने का सावन है। मलमास के कारण सावन दो महीने का हुआ है। इस वर्ष दो महीने में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करेंगे। सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट मेला क्षेत्र कांवड़ियों पथ पर जिला प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था से कांवड़िया श्रद्धालु खुश है। कांवड़िया पथ से हमारे संवाददाता कुणाल शेखर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर। आप देख रहे हैं भैया जी, गजब। सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं कच्ची कांवरिया पथ पर। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से कच्ची कांवरिया पथ पर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंचने लगे हैं और जो सुल्तानगंज स्थित पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट है वहाँ पर गंगा जल भर कर कांवर में और भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए बाबा बैजनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ बम है, उनसे बात करें। कहाँ से आए बम? आदिपुर, जमशेदपुर से। कहाँ जा रहे हैं? बोलबम। बाबा को जलाभिषेक करने जा रहे हैं जी। सावन का पहला दिन है, कितने बजे जल उठाए थे? सुबह 7:30 बजे। बाबा के प्रति कितनी आस्था है? बाबा के प्रति कितनी आस्था है उसको बयान नहीं कर सकते हैं, इतनी आस्था है। अगर वहाँ से उनके लिए पैदल चल के अगर जा रहे 120 किलोमीटर तो इससे ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है कितनी आस्था उनके लिए। इसके पहले भी गए हैं? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है, पहली बार है। और बाबा का दर्शन जल चढ़ाने जा रहे हैं। बाबा मुरादे पूरी करते हैं ऐसा तो सुने हैं, और काफी दूर दूर भी गए हैं। इससे पहले केदारनाथ गए थे, महाकालेश्वर गए थे, तो वहां से आने के बाद खुशखबरी कुछ मिला था, तो यहाँ भी आए हैं। कुछ मन में इच्छा है कि भोलेनाथ इच्छा पूर्ण करें। और कुछ कांवड़िया श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे बाबा? हम सब आदितपुर से आ रहे, जमशेदपुर टाटा नगर। बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं? बिल्कुल, बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं। पहला साल है, पहला बार है, बस बाबा को, बाबा का आस्था है इसलिए बाबा के ले जा रहे हैं, और जो है सो बाबा ही है। कितनी उत्साह है? उत्साह तो आप देख सकते हैं, बम बम लहरी, बम बम लहरी। जब से निकले ये कम नहीं हुआ, इतना उत्साह है। रास्ता कैसे कटेगी? रास्ता कटेगी थोड़ा तकलीफ के साथ, थोड़ा जज्बात के साथ, थोड़ा मित्र हमारे गण साथ है, बाबा है हमारे साथ, बस कटते जाइए, कटते जाइए, चलते रहिए। कुछ और युवा, क्या नाम हुआ? नाम जयेश हुआ हमारा। जयेश जी, बाबा के प्रति कितनी श्रद्धा है? बाबा ही तो जीवन है हमारे, बाबा के प्रति श्रद्धा क्या, वही जो है। सावन का पहला दिन है, हाँ। और गंगा जल भरकर जा रहे हैं, कितने दिनों में जल चढ़ाइएगा? ऐसे तो तीन दिन लिए हम लोग, पहली बार हम लोगों का, देखते हैं बाबा कब तक करवा दे। पहली बार आप लोगों की टीम गंगा जल चढ़ाने जा रही है, तो क्या मन्नत है बाबा से, क्या मांगिएगा? बाबा से कुछ मांगना नहीं सर, बाबा जो दे दे उसमें खुश हम लोग। बाबा जो दे दे, बाबा जो दे दे, बाबा की जो इच्छा। बोल बम, बोल बम। तो इस तरह से पहली बार गंगा जल चढ़ाने के लिए जो कांवड़िया श्रद्धालुओं का जत्था है वह जमशेदपुर और ये जो युवाओं की टीम थी उनका साफ कहना था कि भोलेनाथ सबों सब जानते हैं, सबों की इच्छा पूरी करते हैं और उन लोगों की के मन में जो इच्छा है वो भोलेनाथ जरूर पूरा करेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भैया जी गजब, सुल्तानगंज से।